पंजाब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन जोन अमृतसर की तरफ से दो दिवसीय यूथ फेस्टिवल संदली पैंडा 2017 गुरु नानक ऑडिटोरियम में किया गया। इस अवसर पर पंजाब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जोनल चेयरमैन श्री संजीव शर्मा, प्रिंसिपल सरकारी ITI रंजीत एवेन्यू ने बताया कि इस यूथ फेस्टिवल में तकरीबन 20 संस्थाएं हिस्सा ले रही हैं। प्रोग्राम शुरू करने के लिए विभाग के एडिशनल डायरेक्टर श्रीमती दलजीत कौर सिद्धू ने शमा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने खेलों में जीत प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इनाम भी बांटे। मेरा नाम दलजीत कौर सिद्धू है, मैं एडिशनल डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पंजाब। अज मैं अमृतसर दे विच जिहड़ियां साडियां इस अमृतसर जोन दियां गेम्स हो रही ने ते कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है उहदे संबंध दे विच अपना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड कल्चरल प्रोग्राम दी इनॉग्रेशन लई आई हाँ। ये असी स्टेट लैवल ते जिहड़े फंक्शन सीगे कुछ साल पहला शुरू किए सी कि असी पंजाब दे विच 8 जोनस बनाए हुए हैं और जदों इन्हां जोनल दी इंटर जोनल गेम्स तो बाद अज इन्हां दा जोन लैवल है। जिहड़े जोन चों फस्ट आउणगे उहनां दा असी स्टेट लैवल ते इंटर जोनल फंक्शन होएगा जिहदे विच स्टेट लैवल ते असी गेम्स और कल्चरल प्रोग्राम ते फस्ट एंड सैकेंड कढ़दे आ और जिहड़े साडे इस डिपार्टमेंट दे फिर मिनिस्टर साहब जां CM लैवल ते असी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करदे आ और इह बच्चियां नूं इक उहनां दे कल्चर वास्ते उहनां दे स्टेज कॉन्फिडेंस देण वास्ते और उहनां दीआं गेम्स ते कल्चरल प्रोग्राम्स दे विच जिहड़ी कि स्टडीज़ तों इलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट है उहदे वास्ते इह असी बहुत वड्डा उत्साह कीता सी। पर अज असीं बड़े सालों बाद मैं कह सकदी हाँ कि असीं इन्हां नूं बहुत उपर इहदा लैवल चला गया। जिवें तुसीं देखिया होएगा कि असीं बहुत अच्छे तरीके नाल इह जिहड़ा फंक्शन है इन्हां नूं 1 महीने दे विच असीं सारा स्टेट लैवल भी कंप्लीट करांगे। थैंक यू। 2 दिन होएगा इहदा, अज है ते कल है। ते जिहड़ा स्पोर्ट्स दा हैगा उह इस तों अलग तौर ते चल रिहा। जिहड़ा स्टेट लैवल होएगा ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫਸਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਡਿਗਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ।